आपका जो पानी आज बंद हुआ है इसके पीछे रीजन यही है कि आप अपने राइट के लिए खड़े हो। यस, हाई कोर्ट का कंडेम किया जिसमें लोकल जो एसएचओ है एवन एसपी साहब है वो अवेयर है, वो कॉल्स अवेयर है, 15 की कॉल्स अवेयर है, एविडेंस अवेयर है, दे डोंट केयर। इजंट इंसल्ट टू व्हाट योर इन्वेस्टमेंट लाइफ एवरीथिंग फॉर दैट मैटर। आई एम सरप्राइज्ड, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ट्रायल कोर्ट जज टॉक्ड। मेंटेनेंस के ऊपर इन्होंने एक ब्रिगेडियर साहब लगाए हैं, उनको ये मालूम नहीं कि ग्रेडियंट कैसे है और पानी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर आप हमारा पानी नहीं खोलेंगे तो शाम को हम कोर्ट सारे जो है कोर कमांडर साहब के बाद चले जाएंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप हमें इजाजत दें, हम अपनी डिगिंग कर लेते हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर बड़ा एक प्रीमियर अदारा है और बड़ा हम फख्र भी महसूस करते हैं कि दे आर डूइंग प्रीटी गुड। लेकिन डीएचए की हिस्ट्री पे अभी रिसेंटली हमने बहुत रिसर्च की है, नॉट ओनली डीएचए फॉर दैट मैटर, जो लाहौर के अंदर जो जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हुई, वी हैव गॉट अ वेरी थरो रिसर्च ऑन दैट जो हम रिवील करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। डीएचए जब लाहौर बना तो इसकी बेशुमार लैंड एक्विजिशन जो है उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो कहानियां भी हम सुनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जमीन को एक्वायर किया गया, बेचने वाले कौन लोग थे, उन लोगों के पास उन्होंने क्या क्या तरीकेकार इख्तियार किया, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन स्टोरी ये है कि जो कुछ आपने माजी में किया वो तो माजी में था, लेकिन आज जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो उस अथॉरिटी के अंदर रेजिडेंट हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट अथॉरिटी, उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हम हर रोज कहानियां सुनते हैं कि डीएचए की अथॉरिटीज जो हैं, जो उसको मैनेज कर रही हैं, एट टाइम उनके रेजिडेंट्स के लिए वो काफी मुश्किलात खड़ी करती हैं। और रिसेंटली पी ब्लॉक लाहौर में कुछ रेजिडेंट्स का पानी इसलिए बंद कर दिया कि उन्होंने अपने हकूक के बारे में बात की। दिस इज टू मच। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का हर कॉन्स्टिट्यूशन, आपके बेसिक राइट्स, पानी बंद आप नहीं कर सकते। इस दास्तान को सुनाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पी ब्लॉक के रेजिडेंट कर्नल आरिफ। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम तो सुनते थे कि डीएचए आर्मी का इदारा है, आपकी भी आर्मी की बैकग्राउंड है, आर्मी वालों से इस तरह का सलूक? देखिए, बात ये नहीं, चूंकि अभी हर चीज ही पूरे सिस्टम पूरे माशरे के अंदर चेंज हो चुकी है, तो इसलिए वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ गई हैं जहाँ पे आप वो जो पहले एक टीम वर्क, एक कोऑपरेशन और एक ब्रदरहुड होती थी, वो काफी हद तक खत्म हो गई है। क्योंकि हम यूजुअली डीएचए का जहां की नाम आता है, जो एक ट्रस्ट लेवल है वो इसलिए ज्यादा है कि सामा दादर पाकिस्तान का प्रीमियर दारा आर्मी से इसको एसोसिएट किया जाता है, दो इट्स एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से ये इनडिसिप्लिन हमें देखने के लिए, रिहायशी जहां कहीं भी हैं, नॉट ओनली आप रहते होंगे वहां पे, तो वहां पे तो बच्चे भी हैं, खवातीन हैं, हाउ कैन समबडी सर्वाइव विदाउट वाटर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसकी वजह ये है ना कि इसकी एक छोटी एक बैकग्राउंड है। अच्छा, मुझे वो बैकग्राउंड जरा प्लीज बताइएगा। मुख्तसर तरीके से ये है कि डीएचए में अगर आप सर्वे करें और आप देखें तो डीएचए अब हर पार्क के अंदर वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और सिर्फ वाटर टैंक की कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, उनकी 5 मंजिलें बना रहे हैं और वो रेजिडेंशियल एरिया बना के कर रहे हैं। मसलन मैं आपको, एक तो ये पी ब्लॉक है जिसका मैं रिसेंटली बताया कि ये 4 कनाल का पार्क था, 2 कनाल पे पहले इन्होंने इनक्रोचमेंट करके मस्जिद बना ली। ठीक है। और जो बाकी 2 कनाल है उसके ऊपर ये 1 लाख गैलन का वाटर टैंक अलॉन्ग विद 5 स्टोरीज। और उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया जिसके अंदर उन्होंने अपने सर्विस एरियाज बनाए और तमाम पार्क्स बनाए, मुख्तलिफ और कमर्शियल एरियाज बनाए, इस तरह के एरियाज उन्होंने बनाए। अब कुछ और ये मैंडेटरी है कि वहां पे पार्क्स हों। जी जी, ये तो अभी जो हमारे अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं सर, वो इस बारे में तो बहुत बहुत सख्त हैं। वो उनकी आप डॉन न्यूज के अंदर और पुराने आप उनकी रिपोर्ट्स देखें, आपको दरान हो जाएंगे। वो तो टॉलरेट ही नहीं कर रहे मौजूद है सर, वो तो टॉलरेट ही नहीं कर रहे। और सिर्फ यही नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी और हमारे तमाम पे ये है कि पार्क लैंड को जो अमेनिटी प्लॉट्स हैं, और सबसे बड़ी बात इनका जो अपना रेगुलेशन है जिसको ये कोट करते हैं 2014 रेगुलेशन, उसमें ये कहते हैं कि अमेनिटी प्लॉट्स के अंदर कोई चीज कोई आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। एंड दे कैप्चर्ड दैट।
नहीं, लेकिन अगर वो वहां पे वाटर टैंक नहीं बनाएंगे जो आप लोगों के लिए, तो कहां पे बनाएंगे? सर वो ऑलरेडी वाटर टैंक एम ब्लॉक में बना है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये है कि ये जो पी ब्लॉक है ये बहुत छोटा सा ब्लॉक है, और इधर और भी स्पेस जो आप कह रहे हैं कहां बनाएंगे, बिल्कुल वहां दो फरलांग आगे जाएं, जो अभी इन्होंने 19 दिसंबर को इन्होंने वो बैलेटिंग करके जगह को कमर्शलाइज करके बेच दिया, ठीक, वो देयर आर प्रूफ्स, होल डीएचए न्यूज, हर चौक के ऊपर वो बोर्ड लगे हुए थे, बिल बोर्ड लगे हुए थे कि 19 दिसंबर को वो बैलेटिंग होनी है, 19 दे सोल्ड ऑलमोस्ट अबाउट 290 प्लॉट्स जिसमें 20 कमर्शियल थे और बाकी 270 रेजिडेंशियल थे, इन द होल फेजेज स्टिल अबाउट फिर पांच फेजेस के दरमियान में इन्होंने दे सोल्ड एंड दे मेड मनी। डू यू थिंक कि आपका जो पानी आज बंद हुआ है इसके पीछे रीजन यही है कि आप अपने राइट के लिए खड़े हो? यस 100% सर, आप अकेले थे और भी थे लोग? सर बात ये और भी लोग हैं, सारे हैं मगर उनके अंदर खौफ है, ठीक है। अब जैसे आपने मुझे पहले कहा कि आपका अदारा था, ये आई विश ये आपकी बात दुरुस्त होती, और यहां तक ये तो इसके बारे में कोर कमांडर साहब को भी बताया गया है, ठीक है, एडजुटेंट जनरल साहब को भी लेटर लिखा गया है, ये सारों को पता है, और ब्रिगेडियर साहब जो इस वक्त इसके इंचार्ज हैं सबको मालूम है, और मगर ये ना कोर्ट की कोई इतनी कदर करते हैं ना अच्छा, कोर्ट की केयर करते हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स अक्सर सुनने में आता है, अक्सर सुनने में आता है कि डीएचए के जो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो कोर्ट की नहीं सुनते, कोर्ट को मैनेज करना तो चलो बात की बात, लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं दे जस्ट इग्नोर दैट, एट टाइम्स स्टे ऑर्डर्स लोग आते हैं तो ये कुछ ऐसा आपके बारे में। आपकी बात 100% राइट है, क्योंकि आपका टाइम कम है और मैं इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता, इन्होंने कुछ तीन चार कंटेम्प्ट इसी केस में पहले किए और अभी हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट किया, जिसमें लोकल जो एसएचओ है इवन एसपी साहब है वो अवेयर है, कॉल्स अवेयर है, 15 की कॉल्स अवेयर है, एविडेंस अवेयर है, दे डोंट केयर, ये आई डोंट नो कि जो सबसे लॉ अबाइडिंग होने चाहिए, सबसे उनको लॉ की मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पीपल रिस्पेक्टेड देम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ सर, चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नसरुद्दीन अल्लाह, उन्होंने 18 जून 2018 को एक फैसला दिया और उनकी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा इफ एन इलीगल एक्ट इज अ क्राइम इन द कोर्ट ऑफ लॉ देन स्टीलिंग लैंड बिलोंगिंग टू मैन वुमन एंड चिल्ड्रन इज ऑल्सो क्राइम नो मैटर वॉट इज द यूसेज और पर्पस, ठीक है। अब ये उनको मालूम है, कोर्ट्स में बताया गया, और बाद में जो हमारे दूसरे चीफ जस्टिस साहब हैं जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके फैसले हैं जिसमें उन्होंने डायरेक्टर जनरल एलडीए लाहौर को उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू, वो हमारे जो मिनिस्टर थे जो आजकल इंग्लैंड गए हुए हैं, उन्होंने कोई एक कनाल और 6 मरले की सड़क बना दी, उन्होंने कहा कि नैप का ऑर्डिनेंस 9 जो है वो आप पे लागू है, जमीन ग्रैब करके आप सड़क नहीं बना सकते, इवन मस्जिद भी नहीं बना सकते जी सर, ये ग्रैब जमीन करके आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। बिल्कुल कल साहब मुझे ये बताएं कि ये जो इस तरह की जो हमें कंप्लेंट्स डीएचए के बारे में मिल रही हैं, ये क्या है, ये एटीट्यूड, इस तरह का रवैया क्या है, एरोगेंस है क्या है? सर ये इट इज बियॉन्ड एरोगेंस, एरोगेंस तो छोटा लफ्ज है, बिकॉज देखिए अगर एक आप ब्रिगेडियर साहब को पोस्ट करते हैं, एक जनरल साहब उसके ऊपर बिठाते हैं, और ये ब्रिगेडियर साहब डायरेक्ट जनरल साहब उनको पोस्ट करके यहां देते हैं, तो किसी को ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए, इसी केस में आप देख लें, दे शुड फाइंड आउट कैसे ये मुमकिन हुआ कि इन्होंने लैंड को इंक्रोच किया, हाउ, ठीक है। मुझे एक बात सर मैं फर्दर जानना चाह रहा हूं, डू यू थिंक कि कुछ सिनारियो इस तरह का बन रहा है कि जो नीचे का स्टाफ डीएचए का है वो अपने सीनियर्स को मिसलीड करते हैं, प्रॉपर गाइड नहीं करते? बिकॉज मेरी कॉम्प्रिहेंशन ये है कि जो जनरल लेवल के लोग यहां पे बैठे हुए हैं, दे आर वेरी अपराइट काइंड ऑफ अ पीपल एक्चुअली, लेकिन जब नीचे का स्टाफ उनको मिसलीड करेगा तो शायद रिजल्ट इसी तरह के होंगे जिस तरह आज देखने को मिल रहे हैं। मैं बहुत माजरत के साथ आपसे एग्री नहीं करूंगा, मैं ये समझूंगा कि ही इज नॉट वर्थ जनरल और ब्रिगेडियर जिसको नीचे का स्टाफ मिसलीड कर जाए, ठीक है, उसको खुद देखना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसको स्टेट ने इतना ट्रेन किया, उसको इतने एमोलुमेंट्स दिए, उसको इतना हाई राइज किया, और एंड पे ही जस्ट टर्न अराउंड एंड ही टेल्स अराउंड कि मुझे जनाब के नीचे वाले एसडीओ साहब ने मिसकैरेज कर दिया और ये कर दिया। अच्छा कंसर्न, जब आप घर बनाते हैं, घर के लिए आप प्लॉट लेते हैं, तो यू चूज इट बिकॉज आपने सारी जिंदगी वहां पे रहना होता है, इट्स नॉट मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ वीक्स, और फॉर दैट मैटर कपल ऑफ मंथ्स एक्चुअली, तो आप ये देखते हैं कि आपका आपके नेबरहुड में किस तरह का माहौल है, यू चूज आप प्लॉट बिकॉज उसके नजदीक पार्क है तो आपको अच्छा लग रहा है, एंड ऑल ऑफ सडन वहां पे एक 6 मंजिला या 5 मंजिला एक ऐसी बिल्डिंग बन जाए जिसके अंदर सर्वेंट्स भी रह रहे हो, चौकीदार भी रह रहे हो, आपके घर की प्राइवेसी भी खत्म हो रही हो, आपके घर की मालियत भी खत्म हो जाए, लाइनें लगी हो पानी इकट्ठा करने वाले,
You don't like that place sir, anymore. Main to haran ho gaya. Isn't it insult to what your investment, life, everything for that matter? I am surprised. This is what exactly the trial court judge talked. This is exactly, sir, what you're telling. He wrote there. Okay. And he agreed. He said, this is exactly what has happened. This is exactly what is happening. And he says, ye constitutional rights ke andar aap bilkul nahin kar sakte. Duniya mein jahan kahin is tarah ki koi cheez hoti hai, جو اتھارٹیز ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ کمپنسیٹ کرتی ہیں, آپشنز دیتی ہیں. آپ کی کانسنٹ, میں نے اگر اپنے نیبرہڈ میں ایک کمرشل ایکٹیویٹی شروع کرنی ہوتی ہے تو کرنا صاحب آئی کانٹ ڈو دیٹ, دا رولس اینڈ ریگولیشن سیز جب تک میرے نیبرہڈ کے چاروں طرف کے لوگ مجھے اجازت نہیں دیتے آئی کانٹ بلڈ اینی تھنگ. کچھ آپ سے پوچھا گیا؟ اور لوگ اس لیے نہیں بولتے کہ پیپل آر سکیئرڈ. مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ان سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں. آئی آنیسٹلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. رائٹ. اور میرے نیبرہڈ میں بھی دیر آل ویری, کیا کہنا چاہیے کہ ویری سینسیبل, ویری ڈیسنٹ, ویری ہمبل پیپل لیونگ دیئر. اب وہ شاید یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی عزت کے اوپر بہت بڑا داغ لگ جائے گا, یا ان کو ڈریگ ان کریں گے, یا ان کے اوپر جھوٹے مقدمے قائم کر دیں گے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوگا. پانی نہیں ہے تو کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آلٹرنیٹو کوئی نسل شسلے کا پانی لے کے آ رہے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ سر ہمارا پلان یہ تھا, میں نے ان کے میجر صاحب کو رنگ کر کے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارا پانی نہیں کھولیں گے تو شام کو ہم کو سارے جو ہیں کور کمانڈر صاحب کے آفس, جو ان کا گھر ہے, اس کے بعد چلے جائیں گے اور ان کو انفارم کریں گے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ ہمیں اجازت دیں, ہم اپنی ڈگنگ کر لیتے ہیں. ہم اپنی ڈگنگ کر کے نو پرابلم, ہم 24 گھنٹے کے اندر ڈگنگ کر کے اپنا پانی لے لیتے ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے, ویسے بھی یہ پانی تو پیا نہیں جاتا. ڈی ایچ اے امپلائیز کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرنے کے لیے واٹ یو سجیسٹ, کیا ہونا چاہیے؟ یو بی لیونگ دیئر فار ا ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. دیکھیں سب ڈی ایچ اے امپلائیز جو ہیں وہ بےچارے بہت مجبور ہیں, جو میں نے یہ دیکھا ہے وہ بہت مجبور ہیں. ان کا اتنا پرابلم نہیں ہے. آئی ہیو وزٹڈ دیم. امپلائیز جو ہیں وہ ہمبل ہیں, نائس ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں. ان کا مجھے ان سے شکایت نہیں ہے. آفیسرز ٹیربل. مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ اب کیسے آتے ہیں, ہاؤ آر دے سلیکٹڈ, واٹ از دا پروسیجر آف دا سلیکشن, ہاؤ آر دے سلیکٹڈ ان اینڈ ہاؤ آر دے انڈکٹڈ ان. آپ کو میں کمال بات بتاؤں کہ مینٹیننس کے اوپر انہوں نے ایک بریگیڈیئر صاحب لگائے ہیں, وہ آرٹلری کے ہیں. اور میں ایک اسی معاملے میں ایک گفتگو ہو چکی ہے, ان کو یہ معلوم نہیں کہ گریڈینٹ کیسے ہے اور پانی اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا. انجینئرز کے مجھے لگتا ہے کہ کیا پاکستان آرمی میں تمام انجینئرز کے بریگیڈیئر صاحبان شاید, آئی ڈونٹ نو, اللہ نہ کرے, پتہ نہیں کہاں گئے ہیں, کہ آپ نے وہ کیوں لگائے سفارش, چیک کریں آپ. میں تو میں بلکہ میں آپ کے ذریعے یہ ریکویسٹ کروں گا. آئی ول ریکویسٹ ون ریکویسٹ وچ آئی ول لائک ٹو میک, اینڈ آئی ول ریکویسٹ یو کہ سر پلیز میری یہ ریکویسٹ چیف جسٹس صاحب تک بھی ضرور پہنچائیں کہ ڈی ایچ اے کا فائنینشیل آڈٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں, فائنینشیل آڈٹ گورنمنٹ کرے, ڈی ایچ اے کے آفیسرز کی سلیکشن کو کنٹرول کیا جائے, بالکل سفارش نہ ہو کوئی اسی طریقے کا. آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ وہ پوری سروس کر کے آتے ہیں اور یہاں 5 سال کرنے کے بعد کروڑوں روپے کے پلاٹ ان کو پھر مل جاتے ہیں. بہت ایکسٹرا آرڈنری پریولیج ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ کل صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو فار یور ٹائم. ہم نے مقصد یہ تھا کہ ہم ان تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کریں جو ہمارے لوگوں کو بہت بڑے پیمانے میں فیس کرنا پڑتی ہیں, لیکن اس کا کوئی ریزولو نظر نہیں آتا, ریمیڈی نظر نہیں آتی. اتنے بڑے ادارے میں جب اس طرح کے ایشوز ہوں اور اتنا سیریس ایشو کہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا پانی بند کر دیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ دس از دا ہائی ٹائم جہاں پہ ٹاپ مینجمنٹ کو اس کو انٹروگیٹ کرنا چاہیے, سیریسلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن تاکہ لوگوں کی زندگی آسان کی جا سکے. تھینک یو ویری much.